मुंबई आकर पहली बार कमाया। इंस्पिरेशन जैसा कभी कोई लाइफ में रहा नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी ओपन माइक जैसी चीज़ होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, मुझे तभी पता चला। सो हाय दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर फारूकी और मैं करने जा रहा हूं एक सेगमेंट जिसका नाम है हाउ आई मेट ऑन फिल्मी बीट। बेस्ट फ्रेंड बचपन में याद भी नहीं है, बचपन में घर पे एक दूसरे के होश संभाला तो हम लोग एक दूसरे के घर पे खेल रहे थे, तो वो याद नहीं। सोशल मीडिया बिगेस्ट एनिमी? नहीं भाई, मैं खुद ही हूँ, मेरे को लगता है मेरा दुश्मन। फेवरेट को एक्टर? नाज़िला। शो पे डोंगरी टू नोवेयर। क्रश मतलब टबू? रीसेंट मतलब बहुत सालों से। आई डिडंट मेट हर, मैं तो क्रश बोला तो मेरे से निकल गया मुझसे। चाइल्डहुड फ्रेंड मोइन, मैं वही चाइल्डहुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वही है, दोनों सेम ही है कि होश संभाला हम लोग घर पे खेल रहे थे। हाउ आई मेट माई इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन जैसा कभी कोई लाइफ में रहा नहीं है, बट मैं एडमायर बहुत लोगों को करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि सबको सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, शाहरुख खान, में उन सभी तक मिला नहीं हूँ। लव ऑफ माई लाइफ? माई स्टेज एंड माई माइक। ऐसे ही मैं एक दिन मॉल में था और मुझे पता चला यहाँ पे कुछ ऐसी ओपन माइक जैसी चीज़ होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, मुझे तभी पता चला। एंड नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं ढूंढूंगा मुंबई में कहाँ पे ओपन माइक होता है और मैं परफॉर्म करूँगा। 2018 अगस्त। बेस्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ? आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ जब मैंने मुंबई आकर पहली बार कमाया। असली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को बहुत सारा थैंक यू जो आप प्यार दे रहे हो बीटी को, और इसी तरह प्यार देते रहो बीटी पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आपका सॉन्ग आया है अलग बीटी, जिसको गाना हमने देखा काफ़ी अमेजिंग है और व्यूज़ भी 1 लाख व्यूज़ भी मिल चुके हैं, कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का, इतना प्यार आ रहा है, मैं देख नहीं पाया ठीक से क्या चल रहा है इंटरनेट पर पिछले 1 घंटे में, बट हम लोग ने 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर दिए in 50 minutes, so I'm very excited and very happy about it. Thank you so much for that love. वैसे लोगों ने गाना देख लिया है, लोगों को समझ में आ गया अलग बीटी क्या है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये दिमाग में आया? अलग बीटी कुछ बैंगर बनाना ही था बहुत टाइम से, और जब हिट जोन का वर्स जब हिट जोन ने सुनाया, उसका लिखा हुआ था उसके बाद पहले से, तो उसने सुनाया तो मैंने डेफिनेटली उसको बोला कि भाई इसमें कुछ करते, और हमने ये बनाया और सहज भाई ने प्रोड्यूस कर दिया इसको, और बस ये गाना है ऐसा बैंगर है जिसमें हर चीज़ के बारे में बात है, प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात है, और हम लोग क्या करते कैसे करते हुड की बातें, तो फन है, एक लव स्टोरी भी है बीच में। थैंक यू सो मच।